ष्णम पिता माँ को तीर लगे तो विष्णम पिता माँ ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे hey, माधव पिछले इक्यावन जन्म में मैंने एक भी बुरा कर्म नहीं किया तो ये मुझे किस चीज की सजा मिली है तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे विष्णम पिता माँ आप अप अपना बावनवा जन्म याद कीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मामला गड़बड़ा है जो सी ये एंटिटी है किसी ने आप पर छोड़ी है और वो लेके जाना चाहती है तो मैंने माथा टेक के ना मैं हनुमान जी की मूर्ति के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा करना मैंने शुरू कर दिया अब हनुमान चालीसा के मैंने दो दिन लाइन पढ़ी अब मेरी जुबान सारे कोई किसको क्यों जबान लटका हुआ? फिर वो नहीं यार नॉन वेज खाया था कि रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते भूपात बचावे शस्त्र अनेक चलावत कावत ऊटन नाक लागन पावे राखन है राखत है अपन होकर कर पाप संभूना ना भेट नावे और की बात कहाँ करे सो सो पेटे के पट बीच बचावे इसका मतलब क्या है अगले दस पंद्रह दिन थे ना वो उसकी हरकतें अजीब होनी शुरू होगी कि वो कभी हंसता रहता कभी रोता रहता अजीब से कभी घूर घूर के देखता रहता सुनील भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई आप बताओ ठीक ठाक सब भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ फाइनली दोबारा से आप हमारे दी एंग पॉडकास्ट के सेट पे आ चुके हैं थैंक यू भाई थैंक यू सो मच इतनी गर्मी में इनवाइट करने के लिए <laughs> दिल्ली की गर्मी आपने दिखा दी मुझे इस बार भाई कहाँ थे आप यार आ लोग आपको इतना याद कर रहे थे इतना याद कर रहे थे क्या बताऊँ कमेंट्स में जहाँ देखो सुनील भाई को दोबारा बुलाओ सुनील भाई का सेकेंड पॉडकास्ट कब आ रहा है चलो फाइनली आ ही गया और थैंक यू सो मच आपके ऑडियंस का और सिर्फ आपके ऑडियंस ने आपको ही नहीं पूछा मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए मुझे अपनी स्टोरीज के कि सर ये नेक्स्ट टाइम ना सुनील आप ये स्टोरी मेरी बताना मेरी बताना और उससे दुखी होकर मैंने अपना चैनल अलग बना लिया <laughs> कि भाई मैं आपकी स्टोरी कोई मतलब अभी अब आपको भी बाकी के साथ पॉडकास्ट करना होता है आप हर बात तो नहीं कर सकते इनवाइट तो इसलिए फिर मैं आपकी स्टोरीज आपके अपनी जुबानी सुनाव करूँगा अपने नए चैनल पर नरेट बाय सुनील इंस्टाग्राम की जो मेरी आइडिया नरेट बाय सुनील ट्वेंटी थ्री और यूट्यूब चैनल है एट बाय सुनील ट्वेंटी यूजर नेम पे तो आप उसको फॉलो करें सब्सक्राइब करें और जो सी स्टोरीज अपने आप ई कर सकते हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा आप प्लीज़ मेंशन कर देना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना मेरा इंस्टाग्राम जिसमें आप जो सी जो स्टोरी है भाई आप मुझे भेजो लॉजिकल होंगी तो मैं जरूर नरेट करूंगा आपके साथ भी अगर ये पॉडकास्ट भी अच्छा रहा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर हम बात करेंगे उस पर ऑडियंस पर छोड़ते हैं सब कुछ बिल्कुल हम अपना काम करें पहले भी ऑडियंस पर छोड़ा था और ऑडियंस ने बड़ा प्यार दिया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स था जैसा आपने बताया कि आपके पास ना लोगों ने अपनी की, लोगों ने अपने भाई मैं जानना चाहता हूँ काफी सारी स्टोरी ऐसी जिसमें आपको लगा होगा हो हो की यार ये कैसे हो गया कैसे उसमें पॉसिबल है देखो क्या होता है कि पहले तो भाई मेरे जो लोकल फ्रेंड्स उन्होंने पकड़ लिया मुझे भाई क्या हो गया मतलब स्टोरी के आ गया हमारी कहाँ पे है तो वही पहले कभी इतना डिस्कस नहीं हुआ था एक दो ऐसे इंसिडेंट थे रियल इंसिडेंट थे और काफ़ी ज़्यादा हॉरर भी कह सकते हैं और वो भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताए इसके अलावा क्या होता है कुछ स्टोरीज़ में ना जो थीम होता है वो कॉमन होता है जी अब एक दो जैसे नाइन्टी परसेंट वेज क्या क्या होता है कि वो पैर उल्टे थे ये, ये बड़ा कॉमन है तो तकरीबन हर पाँच छः

आगया हाँ रियल इंसिडेंट सर रियल इंसिडेंट है और क्योंकि भाई ये तो मेरे फ्रेंड्स ने ही बताया मुझे जो दो तीन फ्रेंड्स हैं उनकी दो तीन स्टोरीज हैं तो स्टार्ट वहीं से करेंगे हम उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजी है उस पर भी बात करेंगे अब ये बात है मेरा फ्रेंड है उसके मामा श्री उनकी स्टोरी है और आ, मैं भी उनको वैसे जानता हूँ बाय फेस चलो एक दो बार मैं वैसे भी मिला हूँ क्योंकि फ्रेंड के मामा जी हैं तो कई बार मिलना हो जाता है अब उनके ये स्टोरी में ना एक लेसन भी है जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा इंसिडेंट खत्म होने के बाद कि क्या क्या हुआ और इसमें क्या लेसन था अब ना जो फ्रेंड के मामा जी है ना वो बड़े महादेव भोलेनाथ के बहुत ज़्यादा उनकी श्रत है बहुत आस्था और ऐसे इंसान है कि होता ना कि अगर मैं आपके सामने आपकी अच्छाई कर रहा हूँ ब्लड से आपके सौ लोग आपके सामने आपके अच्छाई करते हैं और पीठ पीछे अस्सी लोग बुराई करेंगे वो ऐसा इंसान है कि सौ के सौ ही अच्छाई ही करते हैं उसकी ऐसा एक नाइस पर्सन तो हुआ क्या है कि एक दिन हमारे ना जो बटाला में थोड़ी सी दूर अचलेश्वर महादेव है भगवान शिव का मंदिर है और ये वो जगह है जहां पर अचलेश्वर अचलेश्वर का अचल का क्या मतलब है अचल यानी कि एक जगह रुक जाना जी तो जब कार्तिक भगवान रूठे थे आपको कथा सारी पता होगी हमारे व्यूर्स को पता होगा तो वो इसी स्थान पर आए थे जी और उनको मनाने जो भगवान भोलेनाथ और तैती कोटि देवी देव करोड़ी जो एक गलतधारणा है कोटि देवी देव मैं बोल भी देता हूँ कि उन तैती कोटि देवी देव में से बारह आदित्य हैं आठ वसु हैं ग्यारह रुद्र हैं और दो अश्विन हैं जी ये कुल मिला के तैती कोटि हो जाता है तो ये वो स्थान है बहुत बहुत मानता स्थान की उसके साथ लिंक है इसलिए मैंने पहले बता दिया तो वो जो घर हम का उनसे जो अचलेश्वर धाम का रास्ता है वो सात आठ किलोमीटर का रास्ता है अब क्या हुआ कि वो मंदिर गए एज यूजल रात को जाते थे आठ साढ़े आठ नौ बजे के आसपास और एक दिन वो मंदिर में वापस आ रहे थे मंदिर से वापस आ रहे थे तो अब काफ़ी अंधेरा होता है और बाइक पे आ रहे थे तो रास्ते में ना एक वाइट क्लॉथ्स में एक लेडी खड़ी थी जस्ट वो खड़ी थी उसने कोई लिफ्ट के लिए हाथ नहीं दिया अब वो क्या जैसे अब बाइक आ रही है उनकी तो वो उसको ऐसे उनकी तरफ मुंध करके देख रही है थोड़ा सा ध्यान जाता है अब जैसे उन्होंने क्रॉस किया तो शीशे जो मिरर होते हैं साइड मिरर होते हैं लगे हैं वहाँ से उनका ध्यान बढ़ा वो उनकी तरफ देख रही है उसकी आँखें चमक रही हैं जैसे बिल्ली की आँखें नहीं चमकती अब उनको ये बड़ी चीज़ अजीब लगी और थोड़ी सी उन्होंने स्पीड भी बढ़ा दी कि रास्ते में कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं उजाड़ होती है तो सात किलोमीटर का रास्ता दूर है शहर से बाहर तो नेचुरली बात है खेत खली आनी वो अब उनके इस चीज़ के बाद ना उनकी थोड़ी सी पैरानोल नॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू होगी अब क्या हो रहा है कि वो रात को ना एक रात को उनको मतलब टांगों में थोड़े से नाखून वगैरह के कट आए जैसे किसी ने खरोंचा है तो कई बार क्या होता है कि इंसान सोचता है कि यार रात को सोते तो हुए खारिश की होगी तो हो गया होगा लेकिन वो जख्म थे वो भर नहीं रहे थे क्योंकि कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज नहीं मतलब करता इतना होता कि ठीक है वो बड़े डीप थे अब क्या हुआ कि एक दिन वो कहते हैं कि जब उनको ये प्रॉब्लम हुई तो उनकी पहले होता था कि उनको प्रॉब्लम होती थी सुबह पता लगता था एक दिन जब वो हुई उन रात को सोते हैं उनको प्रॉब्लम है एकदम उठे तो वो लेडी खड़ी हुई थी वही लेडी खड़ी हुई थी आंखें उसकी वाइट अब वो कहते कि ठीक है कोई उसका चेहरा क्रूप नहीं था लेकिन जब वो हंसी उसके दांत बाहर आ गए अब दो मिनट के लिए तो कोई भी पैनिक हो जाएगा कोई जितना मर्जी कहे ना नहीं डरता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थिंग है ना हमारे घर में अभी हम तीनों भाई बैठे हुए हैं जी। और बैठे बैठे अगर तो एकदम ध्यान दे चौथा बैठा होगा तो दो मिनट के लिए पैनिक हो जाएंगे चाहे वो बाहर से आके बैठा हो हमें ना पता लगे है ना तो वो दो मिनट के लिए पैनिक हो और एकदम वो ना उनको दे के हसी तो वो गायब हो गए उस दिन से उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई मुश्किलें कैसे बढ़नी शुरू हो गई अब उनको जैसे नाखून के निशान होते थे शरीर पर नील के निशान पड़ने शुरू हो गए यानी कि वो उनको टॉर्चर कर रही थी जागते हुए सोते हुए नहीं अच्छा और वो जब जागते हुए टॉर्चर करती उनको तो दिख रही थी उनकी वाइफ को नहीं दिख रही थी बस उनको लगता था कि बस कुछ हो रहा है दबाव जैसे कहते हैं ना पड़ रहा है फिर आखिर में वो जब जाती थी ना तो दरवाजा दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा रोशनदान होता है वहाँ से निकलती तो वो ऐसे देखते थे वो जा रही उस उनके तरफ हंसते हुए दे के जाती थी hmm. कुछ दिन ऐसे चलता रहा तो फिर किसी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मामला गड़बड़ा है जो सी ये एंटिटी है किसी ने आप पर छोड़ी है और वो लेके जाना चाहती है लेके जाना चाहते हैं इन देंस मारना नहीं चाहती वो आपको गायब करना, है। गायव करना, गायव करना, है। करना चाहती है गायब करना गायब करना चाहती कि बस वो अपने साथ लेके जाएगी आपको फिजिकली उसके आप कहाँ पे हो किसी को नहीं पता लगेगा जैसे किडनैपिंग होती है उस टाइप हाँ किडनैपिंग टाइप हो गया बस वो ले जाएगी आपको कई बार होता है ना कई इंसान को सुनते हैं वो तो गायब ही हो गया क्या बात उसका साथ क्या है इस तरह का तो अभी उनका जो है वो ये टॉर्चर बढ़ना शुरू हो गया ऐसे मेरा फ्रेंड कहता है कि कहता है एक दिन यार मैरिज पे जाना था हमने और वो भी साथ में थे कहते गाड़ी में थे वो थे उसके मामी जी थे कहते मैं आगे बैठा हुआ था उसको तब तक नहीं पता था इस चीज़ का कहते चलो मैरिज में सब कुछ ठीक था तो अचानक ना उनको दिक्कत होनी शुरू होगी तो मामी कहते चलो वापस चले मैंने कहा भाई क्या बात हुई कहते नहीं नहीं बस चलो वापस चलते हैं ठीक नहीं है अब कहते क्या हुआ कि जब गाड़ी में बैठे ना तो अब जैसे ड्राइवर नॉन ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर कहते मैं बैठ गया फ्रंट सीट पर अब वो लास्ट सीट पर बैठे थे इस एंगल में अब कहते मेरा उन पर ध्यान दिया वो इस तरफ ना बस वो खिड़की की तरफ ऐसे देखी जा रहे थे देखी जा रहे थे तो कहते बाद में पता लगा कि वो साथ साथ भाग रही थी ओ। अब इसमें हमारे व्यूअर्स को बोल सकते हैं भाई भाग क्यों रही थी गाड़ी में नहीं बैठ सकती आप एक चीज नोट कर लीजिए कि जो ये व्हीकल होता, होता है ना ये माँ काली का स्वरूप होता है वहीकल होते हैं हाँ। गाड़ी हो बाइक हो आपकी मर्जी के बिना यहाँ पर इसमें कोई एंटिटी एंटर नहीं कर सकती जब तक आप खुद यानी कि लिफ्ट दे दें कोई लिफ्ट मांगेगा आपने दे दी तो एंट्री होगी आपकी एक्सेप्टेंस के बिना गाड़ी में बाइक में कोई भी एंटिटी नहीं आ सकती अच्छा तभी ये चीज होती है कि हम काफी बार सुनते हैं कि यार की कोई दिखा वो रुकी <laughs> मांगी और लेकिन लोग करके चले जिसने जाते हैं। करना है तो वो लिफ्ट क्यों मांगेगा उसे उस तो तो को मांग कोई चीज एंट्री लास्ट में कहा था ना कि वो स्कूटर पर पीछे लिफ्ट मांगी गायब होगी लेकिन लिफ्ट क्यों मांगे वैसे पीछे बैठ जाती तो अब वो साथ साथ भाग रही है और कहते हैं वो हंस रही है दांत उसके वैसे ही बाहर निकले हुए हैं और चलो वो वो दिन निकला अब वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई कैसे जो, उस दिन मुझे भी रात को पता लग गया बता दिया कि ये चीज़ है कहते, मैंने बड़ा शोर मजाया कि यार बताओ करते कहते नहीं अब उनका विश्वास उनके मुंह से तब बताऊं क्या बात निकली कहते उन्होंने कहा एक बात कही कहते शिवरात्रि के बाद ये चले जाएगी ओह खुद से ही कहा कहते शिवरात्रि के बाद ये चले जाएगी तो सब ने कहा कि नहीं ये दिक्कत बढ़ रही है आपको कहते मेरा विश्वास है बोले बाबा भी मेरा विश्वास है ये शिवरा, शिवरात्रि के बाद चली जाएगी मैंने कुछ किसी को कुछ नहीं दिखाना है कोई तंत्र मंत्र से इलाज नहीं करना है, ये शिवरात्रि के बाद चली जाएगी चलो अब ये अब ये टसल फिर बढ़नी शुरू होगी क्योंकि अब उस, उसने भी चैलेंज ले लिया कि मैं मतलब उसका हुआ कि मैं तुझे तो मैं लेके जाऊँगी ना पहले शिवरात्रि से तो क्या हुआ कि शिवरात्रि के एक दिन पहले बिल्कुल चीज उन पर होगी हावी hmm. बिल्कुल हावी चीज होगी और वो कहते हैं कि वो कहते हैं उन्होंने बाइक पकड़ी कहते मैं जाने लगा बस अब मैं जा रहा हूं अपनी वाइफ को कहा मुझे रोकना मत बस कहते कि जैसे कुछ ही खींच रही है ना वो उनके वाइफ भी रो रही हैं उनकी मामी उनकी और ये जो सीन था गर्मी और कोई था नहीं अब वो क्या कहते हैं उन्होंने बाइक पकड़ी इसमें एक और चीज़ श्रद्धा देखो और ट्रस्ट देखो और अपने आप पर ट्रस्ट देखना अब जो उनके घर के आगे जाके ना एक टी पॉइंट है एक रास्ता चला जाता है अचल की तरफ अचलेश्वर धाम की तरफ एक रास्ता बस स्टैंड की तरफ उसने करना था कि लेफ़्ट मुड़ना है उन्होंने बाइक निकाल ली बाइक आगे के टी पॉइंट पे जाकर उन्होंने मंदिर की तरफ मोड़ दी बाइक hmm. मंदिर की तरफ मोड़ी बाइक मतलब कि उसके हिसाब से वो उसके साथ चले हैं लेकिन जब टी पॉइंट पे है उन्होंने बाइक मोड़ दी अब वो गुस्से में है वो अब कहते हैं अस्सी किलोमीटर बाइक कम से कम बताई वो साथ में भाग भी है क्योंकि अब बैठ तो सकती नहीं है विदाउट परमिशन वो साथ भाग रही है गुस्से में कहते हैं उन्होंने फटाफट मंदिर में गए अब जो उनके वाइफ है वो पीछे पीछे जैसे भी किसी कन्वींस पे कोई बस पकड़ के आए कैसे भी अब देखो उनकी वाइफ का भी विश्वास देखो वो कहाँ गए सीधा मंदिर गए सीधा मंदिर उनके हिसाब से तो निकल गए घर से बाहर उनको क्या पता बाइक पे गए हैं और वो बाइक से वो टी पॉइंट का रास्ता भी कोई आधा एक किलोमीटर होगा ऐसा भी नहीं है कि उनके पीछे भाग के देख लिया होगी इस तरफ मुड़े हैं और बाइक की स्पीड भी आपने बताया बाइक की स्पीड ही है उनका विश्वास भी देखो कि मंदिर अब वो जब गए हैं तो फिर वो आराम से बैठे हैं मंदिर में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है तो वो अपने ध्यान में बैठे हैं अगले दिन शिवरात्रि थी फिर वो उस दिन रात को घर नहीं आए वो वहीं रहे शिवरात्रि निकली वो चीज़ आज भी है लेकिन शिवरात्रि के बाद वो चीज टच नहीं कर पाई उनको वो अभी भी है। हाँ, वो दिखती है उनको बट कुछ कर नहीं पाती अब जिसने भेजा था उसका था उसका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ उसका उद्देश्य उसकी मुक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है जिसने भी उसको कैद किया होगा उस एंटिटी को पर वो कर नहीं पाएगी उनके अलावा उनकी फैमिली में किसी, किसी को नहीं, अभी भी नहीं सिर्फ उनको सिर्फ उनको कभी कभी दिखती है और वो ऐसे नहीं गुस्से में सिर्फ वो देख के मुस्कुराती है वही दाँत आते हैं लेकिन अब इसमें एक सीख क्या है विश्वास मैं फिर वही मुझे याद आ गई एक बात की एक अपने भाई हैं चलो सारे रिस्पेक्टेड है शायद उनके उनका कहने का वो मतलब नहीं होगा आपके पॉडकास्ट में कहा था कि जब कोई जादू टोना कर देता है ना तो भगवान भी कुछ कर नहीं सकते नहीं ऐसा नहीं है करते नहीं हैं ये हो सकता है क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ों का कष्ट मिलने के बाद ही उस चीज़ का फल मिलता है अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है दर्द होती है लेकिन उसका एंड जो रिजल्ट होता है वो हील होता है तो ऐसे ही ये चीजें होती हैं जो कष्ट जरूर देती हैं भगवान को भी पता होता है लेकिन उसका कोई ना कोई पॉजिटिव होता है अब विश्वास देखो कि सिर्फ विश्वास के दम पे उन्होंने इतनी बड़ी एंटिटी को हरा दिया और क्या मुंह से निकला शिवरात्रि है अब भक्त ने कहा पुत्र ने कहा कि शिवरात्रि है पिता ने सुन लिया ठीक है पुत्र हो गया आउट ऑफ नो वे शिवरात्रि वाली ने और मैं इस इस चीज पर कई जो हमारे ऐसी चीज़ों से गुजर रहे होंगे उनके लिए एक ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्ति है अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ जी और सॉरी भाई जो भी अगर मैं कुछ गलत बोल लूँ अपने जुबान से क्योंकि शब्द बहुत मुश्किल होते हैं वाणी बड़ी मुश्किल है और बड़ी मीठी है लेकिन बड़ी मुश्किल है तो गलती हो जाए तो तो गुरबाणी में एक पंक्ति है कि रोगन ते ते जल जोगन से पाद बचावे शस्त्र अनेक चलावत कावत ऊटन नायक लागन पावे राखन है अपराखत है अपन अपनौकर देकर पाप संभु ना पेटन पावे और की बात कहाँ करे सो सो पेटे के पट बीज बचावे अब इसका मतलब क्या है रोगन थे अरसोगन थे जल जोगन बहु बहुपात बचावे कि रोगों से कई प्रकार के शोकों से जलीय जीवों से वो बचाते हैं भगवान शस्त्र अनेक चलावत कावत ऊटन ना एक लागन पावे ये कहते हैं कि हजारों शस्त्र अस्त्र भी चल रहे हो कि आपको एक भी घाव नहीं लगेगा इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको और वो लगने भी नहीं देगा शस्तर अनेक चलावत कावत ऊटन कहा लागत पावे राखत है अपनी बाहों में ऐसे अपने बच्चों को रख लेते हैं कि कोई भी जो पाप है आपके आसपास नहीं आने लगता कि आपको पापों से भी बचाते हैं एक होता ना कि ये तो दुखों से तो बचा लिया जो आप पाप करने जा रहे हैं उससे भी रोकता है परमात्मा कि ना नहीं करना और की बात कहा करे सो सो पेटे ही के पट बीच बचा में इसका मतलब है कि औरों की तो बात ही छोड़ दो कि जो हम संसार में आ चुके हैं ये तो बात ही दूर की है जो भी बच्चा गर्भ में पल रहा है वो तो उसकी भी रक्षा करते हैं और ये जो लास्ट पंक्ति है और की बात कहाँ करे सो सो पेट ही के पट बीज बचावें इसका रेफरेंस लिया गया है महाभारत से जी महाभारत से कैसे लिया गया जब अश्वर ने जब अभिमन्यु जी के पत्नी थी अक्षरा उनके जब गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे तो जब अश्वथामा ने अस्तर ब्रह्मस्त्र चला दिया था तो श्री कृष्ण जी ने गर्भ में उनकी रक्षा की थी राजा प्रेक्षक की तो ये रेफरेंस वहां से है कि और की बात कहाँ कर सो पेट ही के पट बीज बचावें तो वो तो इतना असीम है उनकी उनके सामने ये शक्तियां जो जो उनसे ही निकली हैं ये भी तो सब उनसे निकली है ना जब वो सब कुछ इस ब्रह्मांड ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उन्होंने बनाया तो उनके सामने मतलब कर नहीं सकते नहीं कब करना ये उनपे कैसे करना ये भी उनपे क्यों करना है क्यों और कब तक करना है कब करेंगे ये सब उनपे अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो बचाएंगे आपको अगर आपने सो कर्म बुरे किए तो फिर आप कहेंगे तो वो फिर आपके कर्मों का फल आपको करना पड़ेगा तो पड़े। हो सकता है पिछले कर्म का जन्म का फल जरूर हो रहा है कि इसी जन्म में आपने अच्छे कर्म किए तो आप सोचेंगे कि नहीं बड़े लोग ऐसे हैं जो इस जन्म में बड़े अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा होता है बुझार रीजन कि कोई अब इसमें भी एक वो है छोटी सी एक मतलब जिसे कहते हैं महाभारत की कहानी है जब भीष्म पिता माँ को लगे तीर लगे तो भीष्म पिता माँ ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव कि मुझे अपने पिछले अब दो दिन साल का फर्क हो सकता था या चौवन चलो लेट से इक्यावन कहते मुझे जन्म अपने याद है पिछले पिछले इक्यावन जन्म में मैंने एक भी बुरा कर्म नहीं किया तो ये मुझे किस चीज़ की सजा मिली है तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई विष्णु पितामा आप अपना बावनवा जन्म याद कीजिए आपने अपने पिछले बावनवें जन्म में एक कीड़े को सुइया धोई थी आपको उसका फल मिला तो कितने बावन जन्म बाद उनको इस चीज का फल मिला किस जन्म का आपको आ, देखो ना जो हम कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं कर सकते जो कर रहे हैं एटलीस्ट वो सही करें और उनका हाँ, उनका विश्वास देखो ना कि मुंह से निकला और पिता ने पूरा कर दिया अपने पुत्र का कि हाँ होगा ठीक है होगा यानी कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो अपने देखो ना मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको पंक्ति कही है ना श्री गुरु ग्रंथ साहब की बहुत पावरफुल है कि वो भगवान की महिमा का कैसे कर रही है वाला रोगन थे रसोगन थे जलजोगन थे बचावे जी कितना हर हर एक लाइन को आप पढ़ोगे कितना डीप सिर्फ चार लाइनों में कितना डीप है डीप इसका मतलब है तो कीप ऑन जिसको भी आप पूछते हो भगवान के किसी भी फॉर्म को आप पूछते हो चाहे उसको गॉड कुछ भी कहते हो बस रखो विश्वास कि आप ही हो मुझे बुरे कर्मों से बचाओ अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा अब मैं आपको बताता हूँ अपनी मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ जी छोटी सी कि आज से कुछ समय पहले मेरा थोड़ा सा बुरा पैसा चल रहा था कुछ पर्सनल पर्सनल इश्यूज़ थे तो ऐसा था कि मतलब कुछ भी करूँ कोई मुझे अपने आप को मैं रोक रहा था कुछ करने से अपने आप को रोक रहा था कि नहीं कुछ बहुत ज़रूरी काम भी करना है फिर भी मैं मतलब पता है कि इस चीज़ ना करना है नुकसान है मैं नहीं कर रहा था सब कुछ जानते हुए भी तो मैंने जैसे लास्ट फोर्ट का उसमें कहा कि मेरे जो सगे मासी जी उन्होंने सन्यास लिया तो वो देवे हैं तो वो सब उनको थोड़ा मैंने उनसे विचार विमर्श किया कि ऐसा ऐसा है कुछ तो उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ किया है hmm. वो डाउन करना चाहती है आपको तो आप ऐसा करो कुछ नहीं करना बगला मुखी माता हुआ hmm. तो मैं मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं बगलामुखी फर्स्ट टाइम गया था माँ बगलामुखी <coughs> अब मैं बगलामुखी माता जाता हूँ तो जो बगलामुखी माता जाते हैं उनको पता होगा कि माता बगलामुखी है ना जो दरबार के बाहर ना हनुमान जी की मूर्ति है तो मैंने माथा टेक के ना मैं हनुमान जी की मूर्ति के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा करना मैंने शुरू कर दिया अब हनुमान चालीसा के मैंने दो तीन लाइन पढ़ी अब मेरी जुबान लटका पड़ी दो चार लाइन पढ़ी जुबान चलो एक बार हुआ दो बार हुआ चार बार पांच बार 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 ऐसे ही हो रहा है सुनिए हो गया रहा है हनुमान चालीसा मतलब वैसे ही रात को सोते भी पढ़ सकते हैं hmm. कोई सोते उठाया गया ना हनुमान चलीसा पढ़ फटाफट पढ़ के सारा सुना देंगे मैं नहीं यार ये बात गलत हो रही है तो जब आठ नौ बार हुआ ना फिर मैंने भले बाबा से कहा मैंने कहा देखो जी अब करना आपने पूरा hmm. मुझसे नहीं हो रहा तो उठना तो मैंने करके ही है क्योंकि बिना करे मैं नहीं उठूंगा सताइसवीं बार सताइसवीं बार जाके बुरा हुआ मेरा ट्वेंटी सेवन टाइम चैलेंज क्या आ रहा था पढ़ रहा हूँ करते करते जवाल लट रही है आगे एकदम ब्लैंक हो रहा है फिर स्टार्ट कर रहा हूँ करते करते जवान लटखड़ा रही है ब्लैंक हो रहा है ब्लैंक हो रहा है मतलब एकदम भूल गया सब कुछ जैसे कुछ कुछ पूरा ना होने का करता करते था कि ना फिर ये बात है जब पूरा होने की दे रहा है एकदम चीजें चेंज होनी शुरू हो गई क्योंकि माँ बगलामुखी बड़ी शक्तिशाली जगह है बहुत शक्तिशाली जगह वहां पर तो जैसे कहते हैं ना उसमें पंजाबी में कहते हैं मतलब कोड़ा हवन होता है कड़वा हवन कड़वा हवन होता है वहाँ पर बड़ा जिसको मतलब अपर लेवल की कोई चीज़ हुई है ना तो वहाँ पर फिर हवन करते हैं निकलती है चीज़ तो ऐसी चीज़ें होती हैं पर्सनली भी मैंने चलेगी अब ये तो एक कहानी है जिसमें हमने बात की कि हाँ ट्रस्ट है देखो एक भगवान पे ट्रस्ट किया और कहाँ से कहाँ बात चलेगी जी होम मेड रेमिडी होगी कोई बाहर की दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी अब ऐसे ही मेरा एक और फ्रेंड है उसने फिर डिस्कस किया ये थोड़ी सी ट्रेजिक है क्योंकि इसका जो एंड था वो ठीक नहीं हुआ अब वो फ्रेंड है वो कहता भी भाई मेरे ना आगे फ्रेंड की शादी थी फ्रेंड के फ्रेंड की तो वो गांव में रहते हैं तो गांव में क्या होता है कि जैसे पैलेस पुलिस तो चलो लास्ट स्टैंड में जब होता है ना जब बारात जाती है तब तक घर में होता है जैसे डीजे वगैरह होता है बाकी जो सगन वशगन वगैरह में जो होता है ना तो क्या होता है कि गाँव में जगह थोड़ी सी ज़्यादा खाली होती है आस की जगह भी हो तो उसको कवर अप करके प्रोग्राम कर लेते हैं तो कहते हैं चलो जी आए सारे मतलब चल रहा था ऐसे तो कहते हैं उनके घर के पास ना फ्रेंड के घर के दो दिन घर छोड़ के एक खाली जगह थी खाली खंडर टाइप घर था वो खंडर भी नहीं था ऐसा था कि खाली पड़ा हुआ था तो उन्होंने ना वो जगह सारी साफ़ सुफ़ करा दी वो सिर्फ फ्रेंड नहीं कहा था कहते मेरे दोस्तों ने आना है उस उन्होंने हल्लु डूबाज़ी करनी है तो उनको वहीं पर सेट करेंगे अपना इन्जॉय एंजॉय करेंगे तो खाए पिएंगे तो सिस्टम चलो अब जो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं तो वो होते हैं कि भाई तुमको मैंने वहीं पर फेंकना है आराम से वहाँ पर कहा कि तंग तुंग करना तो वो भी चलो पता कि बाकी फैमिली के होते हैं चलो ठीक है जगह जगह साफ़ करी उनके लिए बिस्तरे बुस्तरे बिछा दिए तो खाने पीने का प्रबंध अब शुरू कर दिया तो जो फ्रेंड का फ्रेंड है वो तो सारे वेजिटेरियन और शराब वगैरह का यूज भी नहीं करते अब वो दस बारह फ्रेंड थे ना उनमें से एक फ्रेंड था जो नॉन वेज और ड्रिंक करता था जी तो भाई वो कहता भाई मैंने तो नॉन वेज खाना है और ड्रिंक करनी है वह यार नहीं वो होगा यार इसलिए तो घर में साइड नहीं दिया उन्होंने घर कि तुम अपनी जो एंजॉय करना करो चलो अब उसके बार बार कहने पे उसके लिए ना सेपरेट नॉन वेज और लिया है ड्रिंक ले आए उसने अपना किया बाकी सर उन्हें नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और नॉर्मल खाना खाया चलो वो अपना उन्होंने खाई पिया अपना सिस्टम सारा हुआ अब चलो सोने साने की तैयारी कर रहे हैं कहता चलो हम भी कहते हैं सोने साने की तैयारी कर रहे हैं कहते थोड़ी देर बाद ना वो जिसने नॉन वेज वगैरह कंज्यूम किया था उसको पड़ा थप्पड़ गर्दन पे एकदम झट से उठा और उसने देखा आसपास सारे सो रहे हैं कोई देख के ऐसी एक्टिविटी लग नहीं रही कोई हिला उला होता ना कि ठीक है कि नहीं यार वैसे मुझे लगा होगा हो सकता है नींद में मच्छर मुच्छर होगा मैंने खुद ही मार लिया चलो वो लेट गया दस पंद्रह मिनट बाद फिर उसके पड़ी अब उठ के उसने उठाया कहता यार क्या मजाक कर रहे हो अब छोड़ो मैंने सुबह जल्दी उठना शादी शुदी या तो क्या कर रहे हो कहते हम क्या कर रहे हैं सारे नींद में हैं वो कहते यार थप्पड़ मारे कहता तूने पी ज्यादा लिए थप्पड़ मारूंगा खुद को यहाँ मुझे थप्पड़ लग रहे हो तो पता नहीं लगेगा मैं तुम पर इल्जाम लगाऊंगा अब कहते नहीं छोड़ सो गए दस मिनट बाद फिर बड़ा एक वो हार के ना उसने उठा सबको उठाया लाइट जगाई जगह लाइट जगाई है ना उसके गर्दन पे एक होता है ना जैसे उंगल के थप्पड़ के निशान है उंगलिया से ना जैसे नीचे तक गई है लंबी हुई है उंगली मतलब निशान है लेकिन ऐसे है निशान नहीं पड़ सकते। तो अब क्या होता है थप्पड़ पड़े को निशान लगे ना, थोड़ी बाद वो निशान फैलने शुरू हो जाते हैं ब्लड का जो फैलना शुरू हो क्या कहते हैं यार कुछ एलर्जी वगैरह गई होगी इनफेक्शन होगी होगी वो तो ये लग रहा होगा कि थप्पड़ पड़ा है दर्द दूर रहा होगा कहते नहीं यार ये देख निशान पड़ेगा कहते निशान ऐसे भी हो सकते हैं वो कहता नहीं यार मुझे मतलब लग रहा है मुझे थप्पड़ पड़े हैं तुमने तुम में से कहता कहते कर ही नहीं रहे यार देख कहते दस बारह जान हैं यार अगर मजाक कर रहा तो कोई हंस रहा होता सारे सीरियस है, तो है, हैं तो ये देख रहे हैं डॉक्टर के पास लेके चलते हैं वो तो जो आ, था उनमें से कहते नहीं किसी बड़े को बुलाते हैं वो कहते हैं बड़े को बुला बुलाया तो जहाँ उनके फैमिली में से बड़े होंगे हो सकता फादर हो पता नहीं तो कहते है भी जब वो बड़े को बुलाया तो कहता जो लड़का था ना एकदम उसका टोन चेंज होगी और कहता उस पर झपट गया ना उनको मारकुटाई शुरू कर दी जो से आए बड़े कहता मुझे निकालेगा मेरा घर से निकालेगा मुझे पूरी आवाज़ चेंज होगी मेरे घर से निकालेगा मुझे वो बेचारे को समझ नहीं लगी हो गया मेरे साथ मैं तो किसी और काम के लिए आया था अब सारे ना वो खो, वो उसकी फिजीक थी ठीक कि इतनी भी नहीं थी कि उसको पाँच छः जाने कंट्रोल कर रहे हैं उससे कंट्रोल ही हो रहा कि छोड़ो मुझे वो हिला हिला के पीछे कर रहा है उसको कहते भी ये तो सारा मंजर देख के सारे मतलब डर गए कि ये हो गया क्या तो फ्रेंड्स से कहते हैं वो उनको पूछ रहे हैं वो कहते हैं मुझे भाई ता ताजिए ताजिए पड़ी है मुझे तो खुद ही समझ लग रहा है मेरे साथ हो गया रहा है चलो भाई उसको ना किसी तरीके से किसी को बुलाया बुला के उसने उन्होंने कोई जल वगैरह दिया या कुछ दिया थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और उन्होंने देखा कि ये कहता नहीं कुछ नेगेटिविटी है इस जगह में किसकी जगह कहते जगह हमें नहीं पता खाली पड़ी हुई थी क्या पता कब से खाली पड़ी थी शादी की वजह से हमने साफ सफाई कराई है और अब ये फ्रेंड्स वगैरह की है चलो रुको तो कहते नहीं कुछ तो है फिर सारे कोई किसको क्यों हुआ बाकी क्यों हुआ, फिर वो आगे नहीं यार इसने नॉनवेज खाया था तामस साहब को पता जी, चीज़ है जी तामसिक चीज होती है और उसकी वजह से ऐसी एंटिटीज जो है वो अट्रैक्ट होती हैं तो चलो किसी तरीके से उसको सलाह दिया वो हो गया बीमार जी शादी अगले दिन थी चलो शादी हुई अटेंड नहीं बेचारे ने की खत्म और कहते हैं कि जो अगले दस पंद्रह दिन थे ना वो उसकी हरकतें अजीब होनी शुरू हो गई कि वो कभी हंसता रहता कभी रोता रहता अजीब से कभी घूर घूर के देखता रहता वो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि हमने कहीं जाना था हम तीन जाने थे उसको मिला के तीन फ्रेंड थे उसके पास बुलेट थी हमारे पास भी बाइक थी तो कहते हैं मेरा एक फ्रेंड जो सा था वो उसके साथ बैने लग पड़ा कि बुलेट होगी बाइक होगी बंदा बुलेट को प्रेफर करेगा किसके साथ कहता नहीं नहीं तो उन्हें नहीं बैठना उसके साथ बैठ कहता हमने सोचा यार अभी थोड़े दिन से उसका व्यवहार है मैं बहसबाजी ऐसे करूँगा चल मैं बैठ गया अब कह रहा वो हाईवे पर चले हैं उसका बुलेट आगे बाइक जा रही है हम थोड़ी सी पीछे हैं थोड़ा सा जहाँ गैप होता है ना तो सौ मीटर या डेढ़ सौ मीटर का गैप होगा कहते पता नहीं क्या हुआ कि वो बाइक पे आगे जा रहा है उसने पीछे हमारे तरफ मुड़ के देखा और एक बड़ी अजीब सी स्माइल दी बड़ी डेमोनिक स्माइल कह सकते हैं अजीब स्माइल की जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं देता अब जैसा आपका कोई बचपन का दोस्त होगा आपको उसकी हर एक चीज़ का हर एक हरकत का हर एक चीज़ का पता होगा वो हंसता कैसे रोता कैसे मजाक कैसे कर रहा है कब कर रहा है कैसे पता लगेगा कि वो मजाक कर रहे हैं है सब पता होगा तो कहते उसने स्माइल दी बड़ी अजीब कहते मैं मतलब कहते समझ ही रहे थे मैं कि यार क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है हमारे तो देख देख कहते उसने कुछ नहीं किया उसने आगे भी नहीं किया पास में ट्रक गुजरा था हैंडल मोड़ा ट्रक के नीचे ऑन दिस फोर डेथ कहते बस हम तो कहते स्टन रह गए कि क्या हो गया मतलब एकदम एक बंदा अच्छा अच्छा वाला बंदा हमारे सामने जा रहा है वो कहता मतलब वो मेरे साथ बात कर रहा था ना कि आंखों में थे कहते यार सुनील सामने हमारी आंखों के सामने हमारा दोस्त गया कहते उसने कहता उसकी स्माइल कहता मुझे आज तक नहीं भूल रही कि मतलब क्या हो गया चलो ये तो ख़त्म हो गया वो जगह जो थी उसके बाद कहते हैं को, कोई रिलीजियस सोसाइटी थी जी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम जगह का रख रखाव करेंगे उन्होंने सुबह अपना सिस्टम सारा इंस्टॉल किया कुछ जो धार्मिक चीज़ें होंगी जी रात को उनको भी थप्पड़ पड़े अगले दिन वो भी भाग गए तो तब से वो चीज़ जो है वो जगह आज तक वीरान पड़ी है अब देखो क्या चीज़ है क्या ऐसी एंटिटी है सोई पड़ी होगी, किस उसको किया, हो और एक इसी में ना एक और बात है अगर मैं बात करूँ एंडिटीज तो ना काफी सारे टाइप्स में कह सकता हूँ कि आते हैं एंडिटीज के तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे जैसे लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म राक्षस होता है पिशाचनी होती है चुड़ैल होती है डायन होती है जिन होते हैं भूत होते हैं प्रेत तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स में कह सकता हूँ मुझे नहीं पता प्रॉपर वर्ड क्या है बट टाइप्स हम कह सकते हैं की अगर हम आज के हिसाब से बात करें देखो क्या होता है कि जो ब्रह्म राक्षस हो गए ना ये एंटिटीज है ये काफ़ी टाइम बाद आई है जिन चुड़ैल वगैरह ये, ये। जिन चलो ब्रह्म राक्षस तो लेवल टू कह सकते हैं जिन चुड़ैल जो सारी चीज़ें हैं या लेवल वन की हैं इनका लेवल बहुत छोटा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बाद में मुझे समझाती फिर यहाँ तो ये बताते हैं ये भी लेवल की हैं बट शक्तियों के लेवल से अब क्या होता है कि जो उसी एंटिटी है ना एंटिटी बेसिकली पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है बट हम नेगेटिव एंटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव एंटिटी में जो सबसे श्रेष्ठ है श्रेष्ठ का मतलब वो नहीं कि बढ़िया मतलब कि सबसे उच्च एक होता है ना जैसे हराी और उच्च हर वो उनमें अब स्टार्टिंग होता है